1 जून को लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी फेज का मतदान होना है। इस बीच एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का बायां हाथ काफी तेजी से कांप रहा है। वायरल हुए वीडियो में पूर्व आईएएस अधिकारी और नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन को सीएम के पास खड़े होकर भाषण देने में मदद करते हुए देखा गया। इस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है, कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला वीडियो है। वीके पांडियन नवीन बाबू के हाथों की हरकतों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये सोचकर कांप उठता हूं कि तमिलनाडु का एक रिटायर पूर्व नौकरशाह इस समय उड़ीसा के भविष्य पर किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। भाजपा राज्य के लोगों को उड़ीसा का शासन वापस देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के मयूरभंज पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजू जनता दल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। इस मामले पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इसे महज ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। 13 सेकंड के प्रतिक्रिया वीडियो की शुरुआत में बीजेपी सुप्रीमो ने अपना बयान देने से पहले मंच पर अपना बायां हाथ विशिष्ट रूप से रखा। वीके पांडियन ने इस पर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें सही हैं कि नवीन पटनायक की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, उनके हाथ कांपते हैं, वो उड़िया नहीं बोल पाते, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ीसा के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। उनके हाथ थामने वाले पांडियन से जब पूछा गया कि नवीन पटनायक तो भाषण भी नहीं दे पाते तो वो चुनाव कैसे जीतेंगे, तो पांडियन ने कहा कि पिछले 5 चुनाव नवीन बाबू ने एक लाइन का भाषण देकर जीते थे, इस बार तो वो 5-5 वाक्य बोल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार नवीन बाबू की बीजेडी को चाहे मेजॉरिटी ना मिले लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जबरदस्त फायदा होगा। उड़ीसा में बीजेपी की सीटों का नंबर चौंकाने वाला हो सकता है। ध्यान देने वाली बात बड़ी ही दिलचस्प है कि हमला नवीन पटनायक पर नहीं बल्कि वीके पांडियन पर किया गया है, जिन्हें बीजेपी सुप्रीमो का उत्तराधिकारी माना जाता है। भाजपा के नवीन पटनायक को प्रभावित करने के लिए तमिल में जन्मे पांडियन पर बार बार हमला किया जा रहा है और उन पर उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद सत्ता हथियाने और शासन करने का आरोप लगाया गया है।